शख्सियत को दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बुलाने जा रहा हूँ, वो बहुत आसान तरीके से और डिटेल में हमको प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं। हमारे वेलनेस जो एक बेहतरीन कैटेगरी है सप्लीमेंट्स की, उसके एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही काबिल स्पीकर। आप सबकी जोरदार तालियों और चैट बॉक्स से वेलकम मैसेजेस के साथ मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर सौरभ शर्मा को। तो सौरभ जी प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। राइट, थैंक्स अ लॉट जिब्रान जी आपके काइंड वर्ड्स के लिए। एंड यस, जैसे कि आपने बोला, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, इसका नाम ही ये बताता है, इंटेलेक्ट हमारे बौद्धिक से चीज जुड़ी हुई है। तो यस दोस्तों, और खासकर हम बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, हमें अलग अलग तरीके से अपने आप को और शार्प रखना होता है। तो यस, आज हम जानेंगे दोस्तों एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, और हम गहराई से जानेंगे और हम इसको समझ के ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे। ओवर टू मिस्टर जिब्रान। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सौरभ जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड यस, जैसा आपने कहा शुरुआत में, बौद्धिक के लिए हमारे हेल्पफुल है, तो एक बार इंटेलेक्टे के बारे में ही थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक पे समझ लेते हैं कि इंटेलेक्टे है क्या। तो जिब्रान जी, जैसे आपने बोला इंटेलेक्टे, देखिए इंटेलेक्टे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एक पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना है, जिसमें एसेरोला चेरी, सिट्रस बायोफ्लेवोनोइड्स और एंजोजिनोल है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमें एक पावरफुल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट देता है, वो हमारे इंटेलेक्टे में पाया जाता है। ओके सौरभ जी, जैसा आपने बताया एक पावर हाउस है तीन तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स का, तो अब हमारे कंसल्टेंट्स के लिए सवाल निकल करके आता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं। तो जिब्रान जी देखिए क्या होता है, एक होता है हमारा बायोलॉजिकल एज होता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, आज मैं इतने साल का हूं, तो मेरे बॉडी ऑर्गन्स की एज उस हिसाब से होती है। और एक होती है कि हम देखते हैं कि समय से पहले हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हमारी बायोलॉजिकल एज के कंपेरिजन ज्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, और उसी का प्रभाव हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो ये जो प्रभाव पड़ता है जिब्रान जी, इस प्रभाव का जो कारण होता है, वो हम टीवी देखते हैं, हम कहीं भी सुनते हैं, उसका कारण होता है फ्री रेडिकल। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन होते हैं जो हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं? तो ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, मतलब जो हमने बात करी एंटीऑक्सीडेंट्स पावर हाउस इसको कह रहे हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे बचाने के लिए, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, सुरक्षा देने में मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है इंटेलेक्टे। अगेन सौरभ जी, एक और चीज अब इसमें निकल करके आती है, ये फ्री रेडिकल डैमेज को अगर आप थोड़ा सा और इसका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिटेल में अगर समझा सकें कि फ्री रेडिकल डैमेज क्या होता है। जीवन जी आपने बिल्कुल सही बोला, और जितना बेहतर तरीके से हम फ्री रेडिकल डैमेज के कॉन्सेप्ट को समझ के लोगों को बताएंगे, उतना बेहतर तरीके से हम एंटीऑक्सीडेंट को हम रिटेल कर पाए। अब होता क्या है जिब्रान जी, लाइफ में कोई भी चीज जो होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। ऐसे ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी लेयर में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जोड़ा चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, पर उनके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में होते हैं। ये अब जब वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में होते हैं, तो वो हमारे सेल्स पे अटैक करते हैं, और वो किसी भी फॉर्म में हमारे शरीर में आ सकते हैं, चाहे सूर्य की किरणों के थ्रू आ सकते हैं, खान पान के थ्रू आ सकते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो सेल से लेते हैं। अब जब वो सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जिब्रान जी, तो हमारा वो जो सेल होता है वो सेल मर जाता है। उस डैमेज को बोलते हैं फ्री रेडिकल डैमेज, क्योंकि हम जानते हैं सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो बाहर से एक तरीके से ऐसी बात है जिब्रान जी की, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो अपने सोच में रेडिकल रेडिकलाइज्ड है, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और उन्होंने जाके एक सेल को पकड़ लिया और उनसे इलेक्ट्रॉन ले लिया।
अब जब सेल मर गया तो जिब्रानी जैसे हमने बात करी, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब जब मेरा सेल डैमेज हुआ तो मेरा टिश्यू डैमेज हुआ, मेरा टिश्यू डैमेज हुआ तो मेरा ऑर्गन डैमेज हुआ, और वो ऑर्गन अब जब डैमेज हुआ तो मेरे ऑर्गन सिस्टम पे प्रभाव पड़ा, और इस कारण लोगों को बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो बेसिकली ये जो प्रक्रिया है जिसमें सेल मर जाता है और ये एक चेन रिएक्शन के तौर पे होता है जो तेजी से बढ़ता रहता है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल डैमेज। और एग्जांपल के तौर पे अगर जीवराज जी मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा एक्सपोज रहता है बाहर के एनवायरमेंट से? एब्सोल्युटली स्किन। स्किन, आप देखते हैं कि स्किन में जब खराबी आनी शुरू होती है सबसे पहले इस एरिया पे आती है, ये एरिया सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है। सूर्य की किरणों से जो यूवी रेस आई, जो फ्री रेडिकल डैमेज किया, उसने किसको मारा? यहाँ पे सेल। सेल मरा तो कौन मरा? टिश्यू। टिश्यू मरा तो कौन मरा? ऑर्गन। एंड स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। तो ये चीज दिखाता है कि फ्री रेडिकल डैमेज कभी विजिबली और कभी इनविजिबली अकर होता रहता है, पर ये हमारी बायोलॉजिकल एज से पहले हमारी जो उम्र है उसको और तेजी से आगे बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी ऑर्गन्स बूढ़े पड़ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आज की डेट में सेल को बचाना उस फ्री रेडिकल डैमेज से। परफेक्ट परफेक्ट सौरभ जी, बहुत अच्छा आपने बताया उसको। मैं तो रिलेट कर रहा, जब अभी आपने स्किन की बात करी ना, मैं रिलेट कर पा रहा था इससे कि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में स्किन के ऊपर जब हवा लगती है तो हमारे चेहरे पे लाली सी आने लगती है या उसके इन्फेक्शन होने लगते हैं। और इसको जो अभी आपने सौरभ जी बताया ना, ये फ्री रेडिकल डैमेज, इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल सर्दियों से रिलेटेड मुझे अचानक से याद आया। फॉर एग्जाम्पल, चार पांच लोग हैं, सर्दी हो रही बहुत ज्यादा, गलन पड़ रही, जैसे आजकल के मौसम की हम बात करते हैं, हवा बहुत तेज चल रही, ठंड लग रही है, चार लोगों के पास कोट है, एक के पास कोट नहीं है। तो अब क्या हुआ, सर्दी लगी जिसको, उसने क्या करा, ठंडक लगी, उसने दूसरे का कोट ले लिया ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, वो गर्म हो जाए। बट जब उसने दूसरे से छीन लिया तो सेकंड व्यक्ति जो है वो हमारा खाली हो गया। अब उसको ठंड लग रही, उसने क्या करा, उसने तीसरे से जाकर के छीना, तीसरे ने अब जाकर के चौथे से छीना। तो ये एक चेन रिएक्शन, जैसा आपने बताया कि ये हमारा चेन रिएक्शन के तौर पर काम करता रहता है, क्योंकि हमको अपने आप को स्टेबलाइज करना है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको अपने आप को स्टेबलाइज करना है, पर जो बाहरी तत्व आ रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम बाहर जा रहे हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उन सब के थ्रू ये कहीं ना कहीं रेडिकल्स आकर के हमारी बॉडी के अंदर उन सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे चीजें छीन रहे हैं और वही चीजें छीन करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपने बताया हम लोगों को, ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं उन फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से हमारी बॉडी को बचाने में मददगार साबित होते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से सौरभ जी आपने चेन रिएक्शन समझाया, ये कॉन्सेप्ट आपने हम लोगों को समझाया। नाउ अब अगली चीज सौरभ जी आती है कि ये फ्री रेडिकल्स तो हमारे लिए हेल्पफुल है, ये तो हमने जान लिया, बट अगर हम बात करें इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स आपने बताए थे, एक बार एक फिर से उनके बारे में बता सकें, और क्या उसमें से ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए? तो जिब्रान जी, आपका जो बेसिकली इंटेलेक्ट है, इसके तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप उनका नाम चैट बॉक्स में लिख दें। बिल्कुल, मैं लिख देता। सबसे पहले इसमें पाया जाता है दोस्तों एसिरुला चेरी। एसिरुला चेरी लाल कलर के बेर की तरह होता है दोस्तों, जो कि एक नेचुरल सोर्स होता है विटामिन सी का। अब जैसे कि हम जानते हैं जहां विटामिन सी होगा वहां बोन और टीथ भी मजबूत होंगे, टिश्यू ग्रोथ भी अच्छी होगी, कोलेजन का प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, तो मेरे स्किन, हेयर, नेल्स भी अच्छे रहेंगे। और हम जानते हैं आज के डेट में विटामिन सी की क्या इंपॉर्टेंस। दूसरा जिब्रान जी, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। जिब्रान जी, हम अलग अलग फूड्स खाते हैं खट्टे, कभी हम नींबू खाते हैं, कभी हम मौसमी खाते हैं, कभी संतरा खाते हैं, तो सबका एक अलग अलग टेस्ट होता है। तो उसका कारण होता है उसमें जो सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स है। जिब्रान जी, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है, और सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स का क्या फायदा होता है, बेसिकली ये ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट हमें देता है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। और तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिब्रान जी, वो है एंजियोजिनोल। जी हाँ दोस्तों, एंजियोजिनोल बेसिकली एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है
जो न्यूजीलैंड के एक ट्री होता है जिसको बोलते हैं पाइनस रेडियाटा। पाइनस रेडियाटा ट्री से ये लिया जाता है और साथ साथ इसको उसकी छाल, आप देखते हैं पहाड़ों में आपको पाइन के ट्रीज मिलते हैं, उसकी छाल को जब प्योर वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से आपका पेटेंटेड रजिस्टर्ड एंजियोजिनोल बनता है जो बहुत ही पावरफुल होता है और ऑलमोस्ट आपके सारे बॉडी फंक्शंस में जितने भी ऑर्गन्स की मैं बात करूं, चाहे ब्रेन, लंग्स, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, किडनी, स्टोमक, लीवर, हार्ट, सब पे काम करता है। तो ये तीन इसके पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ये चीज जो आपने इम्पोर्टेंट बताई कि इसके अंदर ये तीनों तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये ओवरऑल हमारी बॉडी के सारे की सारे सेल्स, फिर वो चाहे हमारे सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून, हर जगह सेल्स पाए जाते हैं, तो उन सारे सेल्स को प्रोटेक्ट करके कहीं ना कहीं हमारे रखने में मदद करता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स, उनको बचा करके रखता है। और वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे तीनों तरह के स्पेसिफिक इसमें मौजूद हैं। और जैसा आप बता रहे थे न्यूजीलैंड के पाइनस रेडिएटेड ट्री, तो आई थिंक वो चीड़ का पेड़ होता है जो पहाड़ों पे खड़े खड़े लंबे सीधे सीधे निकलते हैं, उस पेड़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एब्सोल्युटली, तो ये एंजोजिनोल हमारा उस पेड़ की छाल से निकला हुआ है, जैसा आपने बताया उसमें शायद वाटर एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज किया है, तो ये स्पेसिफाइड है हमारा, हमने रजिस्टर्ड है हमारा, जो ओवरऑल कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करता है। अब सौरभ जी, हेल्थ बेनिफिट्स की तो हमने बात कर ली कि हाँ प्रोवाइड करता है, बट क्या हमारे जो मेन मेन बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेन की बात करें, हमारा दिमाग, हमारे मस्तिष्क के लिए, तो क्या इसके कोई प्रूवन रिजल्ट्स भी हैं कि ये हमारे ब्रेन हेल्थ में मददगार साबित होता है एंजोजिनोल? यस जिब्रान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और इस सेशन के बाद हम लोगों के साथ वो सोर्सेज भी शेयर कर लेंगे। सबसे पहले कोई भी रिसर्च अगर होता है तो वो माइस पे होती है, माइस तो थोड़े बड़े वाले चूहे होते हैं। जिब्रान जी, जब एंजोजिनोल के एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को स्टडी किया गया, दो चूहों के ग्रुप थे, एक को एंजोजिनोल दिया गया, एक को एंजोजिनोल नहीं दिया गया। तो पहले मैं इस रिसर्च के बारे में थोड़ी बात करता हूं, फिर हम केस बाय केस चलेंगे। तो जिब्रान जी, सबसे पहले देखा गया कि जो प्री मैच्योर एजिंग होती है, समय से पहले जो एजिंग थी, जिस ग्रुप को एंजोजिनोल दिया गया था उस ग्रुप में कम थी एज कम्पेयर टू जिस ग्रुप को नहीं दिया गया था उसकी प्रीमैच्योर एजिंग ज्यादा थी। और प्रीमैच्योर एजिंग का मतलब होता है तेजी से बुढ़ापा। दूसरा जिब्रान जी क्या देखा गया, दूसरा इसमें यह पाया गया कि ओवरऑल जिन चूहों को एंजोजिनोल दिया गया था वो देखने में ज्यादा हस्ट पुष्ट लग रहे थे, ज्यादा एक्टिव थे, उनकी मोबिलिटी ज्यादा थी। तीसरा जिब्रान जी इसमें क्या देखा गया कि उनकी ओवरऑल अलर्टनेस ज्यादा थी, स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट उस रिसर्च में क्या देखा गया जिब्रान जी कि 18.84% जिन चूहों के ग्रुप को एंजोजिनोल दिया गया था जिब्रान जी, उनकी एवरेज लाइफ उन चूहों के कंपैरिजन जिनको नहीं दिया गया था लगभग 18% ज्यादा था। तो अगर हम एक एवरेज लगाएं कि कोई 50 साल की उम्र की अगर बात करता है, तो अगर किसी चूहे की एज अगर इतनी होती, आई नो इतनी होती नहीं है, तो मान लीजिए 18% का मतलब होता है 9 साल ज्यादा, और उसमें भी विद क्वालिटी, विद अलर्टनेस, विद मोबिलिटी, प्रीमेच्योर एजिंग के साइन को रोकते हुए बढ़ते हुए। तो ये इसका रिसर्च है। अब आपने बात करी जिब्रान जी पहली ब्रेन हेल्थ की, तो मैं उस पर आ जाता हूँ। तो ब्रेन हेल्थ की अगर हम बात करें जिब्रान जी, तो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम है ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूट। तो वहां पे एंजोजिनोल को समझा गया कि एंजोजिनोल को देखते हैं कि किस प्रकार से उम्र के साथ साथ जो दिमाग पे प्रभाव पड़ता है, तो एंजोजिनोल कितनी मदद करता है। तो जिब्रान जी, उस रिसर्च ने बताया कि आपके ब्रेन की जो फंक्शनल एज होती है, एक्टिव फंक्शनल एज को वो 7 से 12 साल यंगर कर देता है। वाओ, यंगर करने का मतलब है जिब्रान जी
आज से 7 से 12 साल पहले हमारा दिमाग ज्यादा बेटर चलता था। तो बिल्कुल बेसिकली तो ये देखा गया कि जिन उसकी रिसर्च ने बताया कि आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, आईक्यू, माइंड को शार्पन करने में, रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में, थिंकिंग को बढ़ाने में, और कॉग्निटिव डिक्लाइन उम्र के साथ साथ जो प्रभाव पड़ता है ब्रेन हेल्थ पे उसको कम करने में एंजियोजिनोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और 7 से 12 साल तक ब्रेन की एज को यंगर। परफेक्ट परफेक्ट सौरभ जी, मतलब अगर हम ओवरऑल तो आपने बताया ही बताया, उसके बाद स्पेसिफिक ब्रेन के लिए कि ये हमारी जो फंक्शनल एज है उसको 7 से 12 साल कम कर देता है, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज जो लोगों के अंदर आजकल बहुत कॉमन हो गई है, एकाग्रता की कमी, कंसेंट्रेशन की कमी, उसको भी कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में मदद करता है। हमारे फोकस को, हमारे जो आईक्यू लेवल होता है या फिर जो हमारे दिमाग की अलर्टनेस होती है उसको और ज्यादा मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं मदद कर सकता है हमारा इंटेलेक्ट। तो जैसा आपने कहा कि ब्रेन हेल्थ के लिए तो हमारे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपने बताए, और जो माइस के ऊपर आपने टेस्टिंग बताई कि हाँ जब भी कोई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई भी चीज आती है तो उसकी सबसे पहली टेस्टिंग माइस के ऊपर होती है, और माइस के ऊपर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकल करके आए अलग अलग चीजों के ऊपर। तो पहला तो हमने बात करा सौरभ जी दिमाग के बारे में, अब दिमाग से थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम बात करते हैं हम आंखों के लिए। हमारी आईसाइट की अगर हम बात करें तो इंटेलेक्टे कैसे हमारी आईसाइट को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है? शिवाजी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। देखिए, एंजियोजिनोल जो है वो आईसाइट पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है, और खासकर ओल्डर पीपल जिनको उम्र के साथ साथ क्या होता है, उम्र के साथ साथ धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो शार्पनेस नहीं रहती, वो क्लैरिटी नहीं रहती। तो अगर आप बात करें जिब्रान जी, उसके बहुत प्रभावी रिजल्ट हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, जहां एंजियोजिनोल जब दिया गया तो जो उम्र के साथ साथ आईसाइट पे फर्क पड़ता है उस पे उसका इम्पैक्ट दिखा। एंजियोजिनोल जब विटामिन सी के साथ दिया गया तो जिब्रान जी, तो 3 चीजें देखी गई कि एक, जो उम्र के साथ साथ आईसाइट का नंबर बढ़ रहा था उसने उसको रोकने में मदद करी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि दूर का जो विजन था, एंजियोजिनोल जब विटामिन सी के साथ दिया गया, जो इस कॉम्बिनेशन का पार्ट है, इस इंटेलेक्टे का पार्ट है, तब आईसाइट में कुछ केसेस में इंप्रूवमेंट भी। तो आईसाइट के लिए उम्र के साथ साथ जो हमें आईसाइट के चैलेंजेस होते हैं, धुंधलापन की चैलेंजेस होते हैं, शार्पनेस में कम कमी होती है, ब्लरनेस जो बढ़ती है, प्रभावी रिजल्ट देखे गए हैं। और यही मैं कहना चाहूंगा जिमरान जी यहाँ पे कि ओवरऑल, क्योंकि आई में जो कॉर्निया है ये भी एक बॉडी ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, तो इसको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, इसलिए हमें ये प्रभावी रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, मतलब जैसा मैं अभी आपकी बात समझ पाया, नजर के लिए तो हमारी अच्छा ही है, जिन लोगों की विजन गड़बड़ हो रही थी या क्लियरिटी के साथ नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, उनके लिए हेल्पफुल है। और क्योंकि हमारी आंखें भी इन फिजिकल इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहती हैं, तो ऐसे में उसके ऊपर जो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है उससे बचाने में इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कहीं ना कहीं मददगार साबित होते हैं। तीसरी एक और सौरभ जी ये बात है कि मतलब मैं तो अगर इसमें एक आईसाइट का एक एग्जाम्पल शेयर करूं, हमारे कई सारे कंसल्टेंट्स हमारे पास ऐसे भी जिन्होंने ये भी बताया कि जो चश्मा जिनका नया नया लगा था उनको जब यूज करा तो उसमें बेनिफिट मिले, चश्मा भी उतर गया, तो इतने ज्यादा इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब अगली चीज सौरभ जी आती है हमारी स्किन। जैसा आपने शुरू में कहा था कि हमारी बॉडी के ऊपर सबसे पहला इम्पैक्ट हमारी स्किन, हमारी त्वचा के ऊपर होता है, तो एंजोजिनॉल जो इसके अंदर मौजूद है ये हमारी स्किन को कैसे हेल्दी बना सकता है, उसके बारे में अगर कुछ बता सके आप। जिब्रान जी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला, स्किन पे सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरा, अगर कोई सबसे लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है वो भी स्किन है। तो स्किन पे जो सबसे बड़ा डैमेज जो होता है वो होता है यूवी रेस के कारण, और यूवी रेस
जो इम्पैक्ट डालती है, तो हमारी स्किन का सारा बैलेंस होता है मॉइस्चर और कोलेजन का। तो एंजियोजिनोल पे जब स्टडीज की गई तो देखा गया कि ये हमारे कोलेजन को प्रोटेक्ट करके रखता है, और साथ साथ स्किन पे जो अच्छे सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, सनबर्न से बचाता है। इनफैक्ट ये भी पाया गया, ये भी देखा गया जुबान जी, कि जो कोलेजन फाइबर जो इसने बचाया उसकी वजह से स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी स्किन की वो भी बढ़ी। तो ओवरऑल क्योंकि यूवी रेडिएशन जो फ्री रेडिकल डैमेज करता है उससे आपका एंजियोजिनोल बचाता है, तो एंजियोजिनोल के शानदार रिजल्ट स्किन पे भी देखे गए। तो आप में से जो लोग स्किन ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं वो लोग अगर साथ साथ एंजियोजिनोल का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। तो इसके इनके लिए जो हमारा मेन जरूरी प्रोटीन कोलेजन उसके फंक्शन को उसको बूस्ट अप करने में मदद करता है और हमारी स्किन को चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उन चैलेंजेस से बचाने में मदद करता है। एक और चीज सौरभ जी आती है, एक हमारे चैट बॉक्स से भी सवाल आ गया था अभी, माइग्रेन लोगों को जो सर में दर्द होता है अचानक बहुत ज्यादा, एंजियोजिनोल के उसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट्स हैं इब्राहिम जी? अगर इसके बारे में मैं बोलूं तो आंसर इज यस। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिब्रान जी, 2009 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी जो मीटिंग थी वहां बैंकॉक में, तो वहां पे इसके रिजल्ट्स पब्लिश हुए। और क्या पाया गया जिब्रान जी, पहले मैं आपको बता देता हूं, वो सब लोग जिनको माइग्रेन था और फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस ने काम करना बंद कर दिया था, उनको जब 3 महीने एंजियोजिनोल दिया गया, तो जिब्रान जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 34 लोगों पे इसकी टेस्टिंग हुई थी, जो सैंपल्स पेस था 34 लोगों जी, उसमें से लगभग 79% जो केसेस थे उसमें जो माइग्रेन का जो एक होता है उसको 79% तक कम कर दिया था। मतलब जो उसके एपिसोड्स थे वो 79% तक कम हो गए थे जिब्रान जी, और जिनको माइग्रेन होता है उन्हें मालूम होता है कि वो कैसा फेस कर रहे होते हैं। इसके बाद जिब्रान जी दूसरा क्या देखा गया कि जो सीवियरिटी थी दर्द की, कि कितना तेजी से दर्द होता है, उसमें 50% तक की कमी थी। और तीसरा जिब्रान जी, आप चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं, लोग ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पाया गया क्योंकि कई बार माइग्रेन की वजह से डिसेबिलिटी बढ़ जाती है, उस डिसेबिलिटी को 89% तक कम पाया गया। तो ये पावरफुल रिजल्ट है, आपके सामने लोग लिख रहे हैं कि किस प्रकार से उनको भी किस प्रकार से फायदा हुआ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सौरभ जी, हम तो कहते हैं हमारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ही मोदी केयर की बैकबोन हैं, और ये मिराकुलस प्रोडक्ट्स एक तरह से जादू की तरह काम करते हैं। जो लोग पिछले 10-10 15-15 20-20 साल से परेशान थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स हेल्पफुल रहे, और उनको जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे उन चैलेंजेस में कहीं ना कहीं कमी आई, और इसके प्रूवन रिजल्ट जैसा आपने बताया कि माइग्रेन से होने वाली सीवियरिटी उससे होने वाले नुकसान को 50% तक कम करता है, वो माइग्रेन की वजह से होने वाला जो सरदर्द होती है उस सरदर्द की शिद्दत को उसकी उसको कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो उसके रेगुलर एपिसोड्स थे जो बार बार लोगों को माइग्रेन हर 2-3 महीने में या 1 महीने पे हो रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी लेकर के आता है हमारा एंजियोजिनोल, जो इंटेलेक्टे का हमारा मेन पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अभी दिमाग के बारे में, आंखों के बारे में, स्किन के बारे में जाना, अब सौरभ जी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे हमारे हार्ट के बारे में कि एंजियोजिनोल के क्या बेनिफिट्स हैं हमारे हार्ट के। देखिए जो भी चीज हमें फ्री रेडिकल डैमेज जी जो हमारे शरीर में, खासकर हमारी जो आर्टरीज, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें अगर हम बात करें जिब्रान जी, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड वेसल्स में जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वो जो कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया होती है फ्री रेडिकल डैमेज उसको और तेजी से बढ़ा देता है। तो
फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो जिब्रान जी ये देखा गया है कि एंजियोजिनोल जो है उस पर जो स्टडीज है वो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बेटर करने में मदद करता है, इनफैक्ट फिब्रिनोजन लेवल्स को इंक्रीज करने में मदद करता है, और साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे अभी बात करी जिब्रान जी कि ओवरऑल जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है सबसे बड़ा चैलेंज कि एथेरोस्क्लेरोसिस बैड कोलेस्ट्रॉल का जमना, उससे फाइट करने में भी ये मदद कर सकता है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को कैसे बेहतर बनाता है एंजोजिनोल जो हमारा इंटेलेक्ट के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारे बीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन जो भी चीजें हैं हमारी फिब्रिनोजन लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। एब्सोल्युटली, तो बेसिकली मैं लोगों को बता देता हूं जी नानी, फिब्रिनोजन बेसिकली क्या मदद करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। तो इट्स बेसिकली इट्स अ मैनमेड प्रोटीन, पर कुछ लोगों की क्लॉटिंग अगर नहीं होती है तो फिब्रिनोजन लेवल्स की कमी हो सकती है, तो उसको भी मेंटेन करने में आपका एंजियोजिनोल मदद करता है। राइट, यानी कि हमारे रक्त संचार को बेहतर बनाने में, ब्लड सर्कुलेशन के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है हमारा एंजियोजिनोल जो इंटेलेक्ट में मौजूद है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी और डिटेल्ड नॉलेज सौरभ जी आज आपने दी, और आई होप हमारे साथ यहाँ पे जो 650 कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, आपके बहुत सारे सवाल या जो आप लोगों के सामने फेस करते हैं उन सवालों के जवाब यहाँ पे सौरभ जी ने आप लोगों को दिए कि इंटेलेक्टे की क्या क्या खासियतें हैं, कैसे इंटेलेक्टे हम एक अपने बिजनेस बिल्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये चैलेंजेस जो हमने कॉमन बात करी ये आजकल दोस्तों घरों में जनरली पाए जाते हैं, तो ऐसे में हम लोगों को जाकर के बता सकते हैं, और जब उनको यूज कराएंगे उनको खुद उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों कॉन्फिडेंट है हो सकते हैं इस बात के ऊपर कि वो हमारे साथ मोदी केयर में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, चाहे वो एज अ कस्टमर जुड़े, चाहे वो एज अ कंज्यूमर जुड़े, या हमारे एज अ कंसल्टेंट जुड़ करके काम भी कर ले साथ में। तो सौरभ जी बहुत अच्छा आपने बताया, बस यस लास्ट आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं इससे रिलेटेड, इंटेलेक्टे को एज कब से शुरू करना है, उसकी एज लिमिट क्या है हमारी, और दूसरा उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जिब्रान जी आइडियली तो इसका एज ग्रुप डिफाइंड है दैट इज 19 इयर्स एंड अबव, पर अगर किसी को कोई चैलेंज वैसे होता है तो कोई बच्चा मोमोज कोल्ड ड्रिंक अगर खाता है तो आई डोंट थिंक कोई चैलेंज होता है, तो इन कंसल्टेशन मना नहीं है, कंसल्टेशन में डॉक्टर ले सकते हैं। और दूसरा जिब्रान जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लेने का तरीका है जो जनरली लोग लेते हैं एक कैप्सूल दिन में, और जो मैंने ज्यादातर लोगों से जब समझा जाना तो ये लिया जाता है सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी के साथ। बिल्कुल, यानी कि जो हमारा रिकमेंडेड एडवाइजरी एज है 19 इयर्स एंड अबव यूज कर सकते हैं, और सुबह नाश्ते से पहले तकरीबन आधा घंटा खाली पेट हम इसको यूज करें गुनगुने पानी में, तो ज्यादा अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट हमको निकल करके आएंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छे तरीके से आपने आज हम लोगों को बताया, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट। एंड यस सौरभ जी, अगर हम बताएं हमारे 3 बजे आजादी की पाठशाला जो होती है आज, उसमें हम लोग सौरभ जी के थ्रू ही जानने वाले हैं हमारे हर घर में यूज होने वाले सुबह से शाम तक के कितने प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं हमारे डॉन टू डस्क। तो दोस्तों आज 3 बजे YouTube चैनल के ऊपर हमारे मोदी केयर का ऑफिशियल SPBM YouTube चैनल जो है उसके ऊपर हमको मिलने वाली है जानकारी हमारे डॉन टू डस्क तक के प्रोडक्ट की, सुबह से शाम तक हर घर में, बिकॉज जब हम लोगों के पास जाते हैं उनको यही बताना कि क्या क्या प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं मोदी केयर से बहुत जरूरी है, और वो जानकारी आपको मिलने वाली है आज दोपहर 3 बजे इस डॉन टू डस्क सेशन में। तो दोपहर 3 बजे ज्वाइन करना ना भूलें, और रोज 2 बजे इसी YouTube लिंक